हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एम एंड हियर आई बैक अनदर वीडियो सो दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ कॉस्टिंग एमसीक्यूज व्हिच वी हैव स्टार्टेड एंड एज पर यूर कमेंट्स बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि प्रैक्टिकल बेस कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर चैप्टर के बेसिस पे वो कैसे होंगे जैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें प्रैक्टिकल सेशंस लिए थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे तो वो सारे डिटेल्स हमने एक एक करके पढ़े हैं अभी हम इसमें देखेंगे कि पार्ट थ्री जो है हमारा कॉस्टिंग रिलेटेड एम उसमें हम ये चेक करेंगे कि, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे लेकिन वो एम सी पैटर्न में कैसे होंगे तो यही आज का जो वीडियो है लास्ट तक बने रहे सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगा सारे के सारे जो बेसिक्स है उसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिकल बेस पे जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे आपके क्लियर हो सके तो पार्ट थ्री है कॉस्टिंग अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के सेमेस्टर फाइव के एक्सपेक्टेड एम स्टार्ट करते हैं Question number one is related with EOQ. The annual demand is 2000 units. Cost per unit is rupees 20. Other holding cost is 15%. Cliffrage while holding inventory is 10%. Order processing cost for each order is rupees 25. Inspection cost per order is rupees 10. Follow up cost is rupees 15. Calculate EOQ. So, in this question, you have to calculate the economic. ऑर्डर क्वांटिटी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है जिसको हम ईओक्यू के नाम से जानते हैं तो ईओक्यू जो है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय सी तो फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ टू ए डिवाइडेड बाय सी ठीक है ए से क्या है एनुअल डिमांड ओ से क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी से क्या है से है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो इसको देखेंगे अभी पूरा सॉल्व करके बताता हूं एग्जैक्टली exactly कैसा इसका पॉइंट होगा ताकि हमको इसका एंसर पता चले देखो सबसे पहले चेक करते हैं एनुअल डिमांड आपको दिया है टू थाउजेंड यूनिट्स तो एनुअल डिमांड हमारा कितना है ए है हमारा टू थाउजेंड यूनिट्स ठीक है फिर फॉर्मूला में प्रेजेंट करना काफी इजी बन जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ताकि मैं आपके डाउट्स देख के फिर उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा ठीक है तो बेसिकली इफ यू आर नॉट क्लियर विद एनी पॉइंट जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो ए हमारा है टू थाउजेंड यूनिट दैट इज एनुअल डिमांड फिर जो हमारा ओ होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको देखना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज रुपीज ट्वेंटी फाइव तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ट्वेंटी फाइव है ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना है ट्वेंटी फाइव है फिर आगे बढ़ते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमने देखा ट्वेंटी फाइव है अभी इसमें और दो चीजें हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारा टेन और फॉलो अप कॉस्ट है फिफ्टीन तो जो भी आपके ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होंगे वो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे तो ट्वेंटी फाइव हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट था इंस्पेक्शन कॉस्ट था हमारा टेन और हमारा फॉलो अप कॉस्ट कितना था हमारा फॉलो अप कॉस्ट था फिफ्टीन तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें फिफ्टी पर ऑर्डर ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी हम सी ढूंढेंगे सी क्या होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे देखो तो जब सबसे पहले चेक करते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होगा वो परसेंटेज में होगा तो अदर होल्डिंग कॉस्ट ये फिफ्टीन परसेंट है और प्लिफरेज वाइल होल्डिंग इज टेन परसेंट ठीक है तो पहले इसको परसेंटेज को प्लस करके देखेंगे तो ये फिफ्टीन परसेंट प्लस ये टेन परसेंट तो कितना बनेगा इट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट अब ये ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका ढूंढना है ये जो कॉस्ट पर यूनिट आपको इधर दिया है ट्वेंटी रुपीज तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट तो, तो देट विल बी रुपीज फाइव तो फाइव रूपीज पर यूनिट आपको वैल्यू मिल जाएगा अभी मैं फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करता हूं टू रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय सी होगा टू मल्टीप्लाइड बाय आपका ए कितना है ए हमने कैलकुलेट किया था टू थाउजेंड यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ओ कितना है कैलकुलेट किया था फिफ्टी डिवाइडेड बाय सी कितना है हमने कैलकुलेट किया था फाइव अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर विल बी टू हंड्रेड यूनिट्रेड यूनिट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर्मूला इज वेरी इजी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपके परसेंटेज में होंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है सच एज इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉलो अप कॉस्ट तो वो सारी चीजें आप एड करोगे तो so, इसका राइट right आंसर क्या बनेगा इसका राइट right आंसर बनेगा 200 हंड्रेड यूनिट सो राइट आंसर बनेगा टू हंड्रेड यूनिट तो टू हंड्रेड यूनिट इज द राइट आंसर और EOQ तो EOQ अगर पूछा गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अगर स्मॉल क्वेश्चन आपको पूछे गए तो दिस कैन बी इन दिस फॉर्मैट फॉर्मैट जो अभी मैंने आपको बताया उसी फॉर्मैट में होगा फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाकी इसमें कोई कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ आपको प्रेजेंट परफेक्टली करना है फॉर्मूला में एंड आफ्टर यू सब्स्टिट्यूट विल गेट द आंसर इजीली लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है इफ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज थर्टीन थाउजेंड परचेज इज नाइंटी फोर थाउजेंड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज सेवन थाउजेंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड विल बी तो ये जो पॉइंट है ये मटीरियल कॉस्टिंग में से पूछा गया है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर हम कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम की बात करें तो फॉर्मूला काफी सिंपल है फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक तो हम ध्यान से देखें तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक इज थर्टीन थाउजेंड प्लस परचेजेस कितना है परचेजेस है हमारे नाइन्टी फोर थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक है हमारा सेवन थाउजेंड अगर हम थर्टीन थाउजेंड प्लस नाइनटी फोर थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड कैलकुलेट करें तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा एंड द आंसर कम्स टू वन लैक्स तो वन लैक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स आपके देख रहा हूं कि जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द पॉइंट अराइजेस दैट इफ यू आर आस्क इन द पेपर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम कैलकुलेट करो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक अगर हम ओपनिंग स्टॉक में परचे को ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दे तो जो आंसर हमें मिलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू जिसका राइट right आंसर है वन लैक क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फॉलोइंग एक्सपेंसिस आर ट्रीटेड एज रनिंग चार्जेस वाइल कैलकुलेटिंग मशीन आर रेट तो मशीन आर रेट जो कैलकुलेट होता है काफी इंपॉर्टेंट है तो ये जो मशीन आर रेट है ये कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं बेसिकली हम दो टाइप पार्ट्स में एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं मैं आपको दोनों एक्सपेंसेस के पार्ट्स बताता हूँ जो पहले पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स है और जो दूसरा हमारा एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज रनिंग चार्जेस रनिंग चार्जेस रनिंग चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल ठीक है अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज रनिंग चार्जेस कैलकुलेटिंग मशीन मशीनर रेट रेंट एंड टैक्सेस जनरल लाइटिंग एस्टिमेटेड रिपेयर या इंश्योरेंस प्रीमियम तो ध्यान से मैं आपको रनिंग चार्जेस के तीन एग्जाम्पल देता हूं बेसिकली ये तीन ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एक है हमारा डेप्रिसिएशन जो आपका रनिंग चार्जेस में कवर होगा दूसरा है पावर तो आपके रनिंग चार्जेस में कवर होगा और तीसरा है एस्टिमेटेड तो एस्टिमेटेड अ पार्ट ऑफ रनिंग चार्जेस बिकॉज दिज ऑल एक्सपेंसेस आर वेरिएबल इन नेचर एंड दिज ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद द रनिंग ऑफ द मशीन दैट इज वेट इज कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ रनिंग चार्जेस तो वाइल कैलकुलेटिंग द मशीन आर रेट

एस्टिमेटेड रिपेयर आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे ताकि मुझे भी पता चले आपके तीन क्वेश्चन जो अभी तक मैंने सॉल्व करवाया है वो क्लियर है एवरीबडी क्लियर विद मच जस्ट मी इन कमेंट सेक्शन वन ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान से थोड़ा सा कैल्कुलेटिव क्वेश्चन है और ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलती हो सकती है इसलिए ध्यान रखना है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लेबर कॉस्टिंग तो लेबर कॉस्टिंग में दो टाइप के प्लान्स होते थे बेसिकली देर आर मेनी इंसेंटिव बोनस प्लान विच इज यूज फॉर कैलकुलेशन उनमें से दो प्लान ज़्यादा करके पूछे जाते हैं एक होता है आपका हेल्से प्लान और सेकेंड होता है रोविन प्लान तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं सारी चीज़ें दी है फॉर्मूला पता होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर दोनों क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली बना पाएंगे इफ टाइम अलाउड इज वन एटी आवर्स तो टाइम अलाउड आपको दिया है टाइम अलाउड के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे टी ए फिर टाइम टेकन इज वन फोर्टी फोर टेकन आपको दिया है टाइम वन फोर्टी फोर आवर्स ध्यान से रखना याद टाइम अलाउड में से टाइम अलाउड में से अगर टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो आंसर मिलता है टाइम सेव्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम अलाउड में से अगर टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा टाइम सेव्ड तो यहां पे अगर बात करें 180 में से अगर 144 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 36 ये 36 क्या है ये 36 है टाइम सेव्ड आगे देखेंगे अभी तो 36 सिक्स यहाँ पे टाइम सेव्ड ऑलरेडी आपको दे दिया है अगर कभी आपको पेपर में टाइम सेव्ड नहीं दिया तो उसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन द आंसर विल बी टाइम सेव रेट पर आर इज रुपीज ट्वेंटी तो रेट पर आर दिया है आपको रेट पर आवर इज रुपीज ट्वेंटी डी एज डियरनेस अलाउंस इज फोर्टी फॉर एट आवर्स फोर्टी रुपीज आठ घंटे के लिए ऐसा बोला है तो अभी एक घंटे का कैलकुलेशन कैसे होगा फोर्टी को अगर हम एट से डिवाइड करें तो एट फाइजा फोर्टी तो पांच रुपया पर आवर का रेट चल रहा है ठीक है तो अलाउंस चालीस रुपया आठ घंटे का मिलेगा एक घंटे का कितना मिलेगा पांच रुपया पर आवर कैलकुलेट अमाउंट पेबल एस पर हेल्थ प्लान अभी हेल्थ प्लान से आपको कैलकुलेशन बताता हूं किस तरीके से होगा सबसे पहला पॉइंट बेसिक वेजेस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूं फॉर्मूला काफी सिंपल है आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर ठीक है आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर तो आर्स वर्क कितना है आर्स वर्क मतलब टाइम टेकन कितना है 144 फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट पर आर कितना है 20 तो 144 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे कि कितना आता है 144 फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी तो इसका राइट right आंसर आता है टू एट एट जीरो टू डबल एट जीरो पहला पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है बेसिक वेजेस कैलकुलेट ठीक है फिर दूसरा पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है डी ए डीस अलाउंस डियरनेस अलाउंस का भी फॉर्मूला यही है आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर ठीक है आर्स वक्त तो हमारे सेम रहेंगे वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई रेट पर आर में ट्वेंटी नहीं लेंगे यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है देखो कितना कैलकुलेट किया था हमने फाइव कैलकुलेट किया था तो वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव करेंगे तो दैट विल बी सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फिर थर्ड पॉइंट जो बोनस कैलकुलेट होता है देखो हेल्से प्लान में आपको याद रखना है हेल्से प्लान में क्या करना है आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर फिफ्टी परसेंट इज द रूल हेल्से प्लान जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिफ्टी परसेंट आपको लेना है फिफ्टी परसेंट यह रूल में है ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड हमारा कितना था टाइम सेव्ड हमारा था थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर कितना था आपका रेट पर आवर था ट्वेंटी थर्टी तो सिक्स का फिफ्टी परसेंट एटीन एटीन इंटू ट्वेंटी करोगे तो दी आंसर विल बी थ्री हंड्रेड एंड सिक्स इतना आएगा थ्री हंड्रेड एंड सिक्स अभी आपको इनको ऐड करना है टू एट एट जीरो प्लस सेवन ट्वेंटी प्लस थ्री सिक्सटी अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा थ्री नाइन सिक्स जीरो ऑप्शन में थ्री नाइन सिक्स जीरो है कि नहीं तो थ्री नाइन सिक्स जीरो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सिंपल बट लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व इन द चैप्टर ऑफ लेबर कॉस्टिंग लेबर कॉस्टिंग में आपको क्या करना है हेल्से प्लान से पूछा है तो यही फॉर्मूला है और अगर प्लान से पूछा है तो रोवेन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एल्से प्लान में फिफ्टी परसेंट का बोनस कैल्कुलेशन होता है और आपको ध्यान रखना है टाइम सेव्ड कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाता तो टाइम सेव्ड अगर दिया नहीं रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ही हम बोनस कैलकुलेशन करते हैं तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है थ्री नाइन सिक्स जीरो आई होप की क्वेश्चन नंबर फोर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो चार क्वेश्चन जो अभी मैंने सोल्व करवाए सबके क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना तो ध्यान से देखना अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं सो दैट मैं आपको कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया राइट आंसर कितना है थ्री नाइन सिक्स जीरो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ क्वेश्ची तो क्वेश्ची का फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए इफ प्राइम कॉस्ट इज टू एक्स ट्वेंटी फाइव

उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है नेट वर्क्स कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट बोलो फैक्ट्री कॉस्ट बोलो एनीथिंग यू कैन राइट ओवर हियर तो अभी अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कैसे पूछा है देखो इसका राइट right आंसर क्या है थ्री लैख थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड में अभी आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको देखो प्राइम कॉस्ट तो आपका प्राइम कॉस्ट कितना है तो योर प्राइम कॉस्ट इज टू लैख एट्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर ऐड करेंगे क्या बोला है फैक्ट्री ओवर कितना रहेगा फैक्ट्री ओवर रहेगा का 20 आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा 20 का विल बी ठीक है? है। फिर इसमें आपको ऐड करना ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी आई पी इज वर्क इन प्रोग्रेस तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है बट हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्लू है जो आपको लेस करना है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी इज फाइव टू फाइव ज़ीरो अगर हम टू एटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी सेवन वन ट्वेंटी फाइव ऐड करके अगर हम फाइव टू फाइव जीरो को लेस कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर एंड विच विल बी कॉल्ड एज वर्क कॉस्ट वो आएगा थ्री लाख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दिस इज द राइट आंसर एंड आई होप कि ये क्वास्टशीट के जो बेसिक्स है वो आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हुए रहेंगे मैंने क्वास्टशीट के ऊपर एक पूरा वीडियो डाला था अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप चेक कर सकते हैं कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग का जो कॉस्टशीट चैप्टर है उसका फॉर्मेट है उसमें अगर आपको फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है तो वो वीडियो को देखें ताकि फॉर्मेट के बेसिस पे ही कॉस्टिंग के जो कॉस्ट चैप्टर्स है एम सी पेपर में पूछे जा सकते हैं अगर हम ये क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ देखें तो देखो इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मेट क्लियर होना बहुत जरूरी है सो इफ यू आर क्लियर विद द फॉर्मेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी ऐड और लेस ही तो करना था लेकिन जिस किसी का भी फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा उसके लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे इसलिए ध्यान रखना तो वाईल अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन योर बेसिक शुड बी क्लियर सो आई यूजली से दैट वर्क ऑन योर बेसिक्स इफ योर बेसिक्स आर क्लियर यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट अंडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर हेड्स संड्री एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उस स्टेटमेंट में हम जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स को हम रेशो के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो इन्होंने क्या पूछा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर जब आप करते हो तो सन्ड्री एक्सपेंसिस ये कौन से रेशो में एलोकेट होता है वैल्यू ऑफ़ स्टॉक में फ्लोर स्पेस में डायरेक्ट वेजेस में या नंबर ऑफ वर्कर्स में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके पेपर में आ सकता है सन्ड्री एक्सपेंसेस के जगह पे अगर कोई ऐसा पॉइंट आया तो भी यही आंसर है इज द पॉइंट्स इंक्लूडेड एज जनरल एक्सपेंसेस ऑल्सो तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में अगर जनरल एक्सपेंसेस का पॉइंट आया तो वो कौन से रेशो में डिवाइड होगा तो याद रखना है आपको वो डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड होगा so it will be distributed on the basis of direct wages under primary distribution of the overheads so I hope ki this six questions are clear to all of you agar kisi ne bhi late join kiya hai to aap pehle की जो five questions हैं वो miss मत करना इसका recording आपको मिल जाएगा बाद में आप देखो लेकिन काफी सारे important points इस पूरे जो आज की सीरीज है उसमें मैं लाया हूँ तो उसको miss मत करना question number seventh में जाते हैं तो question number seventh थोड़ा सा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की बात आपको दिलाएगा यहाँ पे याद कि अगर आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के बेसिक्स क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। तो लेट अस सी व्हाट डस द पॉइंट अरिजेस इफ डायरेक्ट मटेरियल इज 5 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स इज 20000 इन द ईयर 2019 इन द ईयर 2020 द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 30000 द मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई टेन परसेंट वॉट विल बी द रिवाइज मटीरियल से estimated cost की बात कर रहे हैं आप सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है डायरेक्ट मटीरियल मैंने आपको तीन चीजें बताई थी इफ यू रिमेम्बर और अगर नहीं पता है तो अभी रिवाइज करवाता हूं डायरेक्ट मटीरियल है डायरेक्ट वेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये तीनों के तीनों जो है दे आर वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होता है जिसका इंक्रीज या डिक्रीज किस में होता है पर यूनिट में ही होता है और जो एक्सपेंसेस आपके सेल्स के साथ रिलेट करते हैं मटेरियल्स डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड दोज एक्सपेंसेस विच आर फिक्स इन नेचर वो एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज जो होंगे उसके वो अमाउंट में होगा तो आपको ध्यान रखना है कॉस्टिट का बेसिक है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होगा और फिक्स एक्सपेंसेस का इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा अमाउंट में होगा अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना है आपका डायरेक्ट मटेरियल है फाइव लैक्स ,00 कौन से ईयर में 2019 के ईयर में तब आप नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बना रहे हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके 2019 में बन रहे हैं बीस हजार यूनिट ठीक है हाउ मेनी यूनिट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन द ईयर 2019? 20,000 यूनिट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग तो 20,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ध्यान से काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है अगर हम फाइव लैक्स को ट्वेंटी से डिवाइड करें तो हमें पर यूनिट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी रुपीज यूनिट यूनिट पर ये आपको वैल्यू मिल रही है अब अगर हम टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो टू थाउजेंड ट्वेंटी में आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू ढूंढनी है कितनी होगी यहाँ पांच लाख है यहाँ कितनी होगी लेकिन एक चीज यहाँ पे दी है और वो एक चीज क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी में आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो बनेंगे थर्टी थाउजेंड यूनिट्स यू विल बी मैन्युफैक्चरिंग थर्टी थाउजेंड यूनिट्स पहले कितने बना रहे थे पहले ट्वेंटी थाउजेंड बना रहे थे अब कितने बना रहे हो आप थर्टी थाउजेंड बना रहे हो अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे बोला है कि मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय टेन परसेंट तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे टेन परसेंट से बढ़ रहा है बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं वो डायरेक्टली अमाउंट पर बढ़ा देते हैं ध्यान से मैंने आपको यही पे बेस बताया कि वेरिएबल एक्सपेंसिस का जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो किस पे होता है वो पर यूनिट पे होता है वो किस पे होता है वो पर यूनिट पे होता है तो आपकी पर यूनिट कितनी थी पहले ट्वेंटी फाइव थी अभी कितने परसेंट से बढ़ेगी टेन परसेंट से बढ़ेगी तो ट्वेंटी फाइव का टेन परसेंट कितना आएगा टू पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एंड द वैल्यू विल बी ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव कितनी आएगी वैल्यू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव अगर हम ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव को हमारे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी थाउजेंड यूनिट्स हम बना रहे राइट तो अगर हम थर्टी थाउजेंड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई थर्टी थाउजेंड यूनिट्स तो वैल्यू कम्स एट लैक्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा एट लैक्स तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अगर आप हर साइड से प्रिपेयर रहोगे तो आपको पेपर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ध्यान से देखना अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो तो मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहे तो एक बार फिर से आप इसको देखें ताकि आपको ये डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे फिर बेसिक्स क्या है Variable expenses is increase or decrease always related with the um, uh, per unit, and fixed expenses increase or decrease is always related with the amount. So, whenever in the question the adjustment specifies that variable expenses are increased, so you should remember the point which I have clearly stated to you now, and that is it is always increased in per unit. एंड इफ इट इज सेट दैट फिक्स एक्सपेंस दैट इंक्रीज या डिक्रीज तो इट इज़ ऑलवेज इन अमाउंट तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा इसका राइट right आंसर बनेगा एट लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो एट लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसका राइट आंसर एट लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ना मैंने यहाँ पे एट लैक्स को मार्क कर दिया है एट लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी थाउजेंड कैलकुलशन सही है मैंने एट लैक्स को मार्क कर दिया है तो थोड़ा इरेजी कर लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिस इज दी राइट आंसर सही है सिर्फ मैंने गलत कर था। so, 30, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा एट लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज द राइट आंसर ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट में जाएंगे हॉलीडे पे इज एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवाइजर्स पे डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल्स या नंबर ऑफ वर्कर्स तो इसका राइट right आंसर है काफी तो तो पे जो है वो से करता है? है तो तो है वो वो किससे करता से ये कर रहा आई होप की दिस एट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू काफी सारे मैंने एमसीक्यूज इसमें ऐसे डाले हैं जो आपको प्रैक्टिकल बेस क्लियर करवाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन में जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ध्यान से समझना इसको इन रिकनसीलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्रॉफिट एडेड टू कॉस्ट प्रॉफिट एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट या डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस तो सिंपल चीज है ध्यान रखना देखो रिकन्सिलेशन में क्या होता है ये जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट होता है और ये जो फाइनेंशियल का प्रॉफिट होता है ये दोनों प्रॉफिट आपस में मैच नहीं करते मैच नहीं करते इसीलिए क्या होता है इसीलिए बनाया जाता है रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जिसमें हम ये दोनों प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करके ये देखते हैं कि ये दोनों प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस आए हैं वो कौन से पॉइंट की वजह से आए कॉस्टिंग में क्या होता है कॉस्टिंग में कॉस्टिड बनाते वक्त हम सब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल में हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं एज वेल एज इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं और कुछ पॉइंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रेंट ये सारे पॉइंट्स जो रेंट रिसीव की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स फाइनेंशियल आइटम के हैं ये कॉस्टिंग में रिकॉर्ड होते नहीं ये फाइनेंशियल में ही रिकॉर्ड होते हैं इसीलिए कॉस्टिंग के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल के प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अब ये डिफरेंस आने के बेसिस पे ये पॉइंट देखो क्या बोला है ये क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट बोला है क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हुआ फाइनेंशियल में तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ ये कॉस्टिंग है या फाइनेंस क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले क्या है क्या है का मतलब एक्सपेंस है या इनकम है तो आप कहेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस है या इनकम है हमें पता नहीं चलता तो कैसे ढूंढने का देखो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है वो हमेशा इनकम होता है और जो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है वो हमेशा एक्सपेंस होता है इतना तो सबको पता ही है तो जो भी पॉइंट्स हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सपेंस होते हैं जो भी पॉइंट हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं वो इनकम होता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है इसलिए इनकम है अगर मैं आपको कहूँ कि आपका इनकम अगर बढ़ेगा इनकम बढ़ते जाएगा तो प्रॉफिट पर उसका क्या इम्पॉक्ट इम्पैक्ट होगा तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट पर तो उसका इम्पैक्ट सेम होगा मतलब अगर आपका इनकम बढ़ते जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम है ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है बढ़ जाना कहाँ पे बढ़ गया फाइनेंशियल में तो ये फाइनेंशियल देखो कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी लगे आपको फाइनेंशियल का इनकम बढ़ गया तो ये एरो ऊपर चला गया ये फाइनेंशियल और कॉस्टिंग ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पे थे अभी ये पहले माला है फर्स्ट फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पे चले गया फाइनेंशियल अभी हम क्या करेंगे हम कॉस्टिंग को भी फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे हम कॉस्टिंग को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले माले पे चलेगा अगर ये नीचे आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको लेस करना पड़ेगा तो ऐड करना है तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट ठीक है एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि ये जो सिंपल टेक्निक है जो मैंने रिकन्सिलेशन की आपकी बताई है इससे आपके बेसिक्स क्लियर हुए रहेंगे ताकि आपके बेसिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए और अगर अभी तक देखने के बाद आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें बिना आप आज नहीं जाएंगे और कमेंट भी करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा Added to costing profit. So the question number 10. Question number 10 is cost of production is 16 lakhs. So cost of production have has 16 lakhs. The selling and distribution overheads is 3 lakhs and sales is 24 lakhs. Then the profit will be rupees 4 lakhs, rupees 3 lakhs, rupees 5 lakhs, rupees 6 lakhs. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन द फॉर्मैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर क्लियर विद द फॉर्मैट देन यू कैन ईजिली आंसर तो पहले मैं फॉर्मेट लिखता हूं फॉर्मैट आपका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स तो एड करेंगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ टेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर ऐड करोगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स तो यहाँ पे सेल्स तो दे दिया है प्रॉफिट की बात कर रहा है तो थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है सिक्सटीन लैक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्री लैक्स 16 तो सिक्सटीन लैक्स प्लस थ्री लैक्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा दैट इज नाइनटीन लैक्स सेल्स कितना दिया है सेल्स दिया है हमको ट्वेंटी फोर लैक्स तो सेल्स तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो आपका सेल्स है इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा तो कितना बनेगा नाइनटीन लैक्स और ट्वेंटी फोर लैक्स का डिफरेंस डिफरेंस विल बी फाइव लैक्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये थे so, मैंने आपके बन सकते हैं अगर अभी तक देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक like करें अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें बिकॉज जितना आप इसको शेयर करोगे उससे आपके फ्रेंड्स को भी ये जो एमसीक्यूज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका पता चलेगा तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कितना है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रुपीज फाइव लैक्स तो आई होप कि दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टेलीग्राम के ऊपर सारे पी शेयर कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग इकोनॉमिक्स मार्केटिंग तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है और जितनी चीजें अभी पेंडिंग रहेगी सारे के सारे आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर पी डी मिलने वाले हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहे और अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद आपको आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर